नमस्कार, डीएलएड के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सरोज व्यास, प्रिंसिपल फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। भाषा शिक्षण क्या है और भाषा शिक्षण में मुख्य कौन कौन से कौशल है, इस चर्चा में हम आज वाचन कौशल पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वाचन कौशल क्या है, क्योंकि किसी भी बात को जान लेने के लिए, किसी भी चीज़ को समझ लेने के लिए उसका अर्थ समझ लेना आवश्यक है। और भाषा शिक्षण में मुख्य चार कौशल होते हैं, जिसमें श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। आज हम वाचन कौशल पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी जो भाषा शिक्षण के चार कौशलों की मैंने बात करी है, उनकी एक क्रमबद्धता है। अधिकांशतः होता क्या है कि विद्यार्थियों को लगता है कि चार कौशल है, चार कौशलों में से किसी भी कौशल को कहीं भी किसी भी क्रम में रख देंगे। ऐसा नहीं है। किसी भी पाठ्यगत सामग्री की एक क्रमबद्धता होती है और उस क्रमबद्धता के होने का भी कोई निश्चित एक नियम और कारण होता है। सबसे पहले हमने कहा है श्रवण कौशल, उसके बाद में वाचन कौशल, फिर पठन कौशल और लेखन कौशल। आप लोग याद करिए और आप लोग अपने घर परिवार आसपास रिश्तेदारों में देखिए, शिशु जब जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके श्रवण कौशल का विकास होता है, माता पिता के द्वारा, दादा दादी, नाना नानी, अभिभावकों के द्वारा। सबसे पहले उससे जब बात की जाती है तो उसकी कर्णेंद्रियाँ, उसके कान, सबसे पहले उसके कान जो है वो हलचल में आते हैं, उसके कान बिल्कुल सुनते हैं, श्रवण कौशल। और उसमें सबसे पहले श्रवण शक्ति का विकास होता है। और वो जब माँ उसे कहती है कि बेटा बोलो माँ या पापा बोलो, तो वो पहले सुनता है और अपनी शारीरिक हाव भाव से अभिव्यक्ति देता है और उसके बाद में वो मैं पा 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 बोलना शुरू करता है। तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो अभिव्यक्ति के कौशल है उसमें श्रवण कौशल का विकास होता है। पहले शिशु ने सुना, उसने करा, उसके बाद में वाचन, उसने सुना, सुन करके उसने अनुकरण करने की कोशिश करी, उसने पीछे पीछे चलने की कोशिश करी और पीछे पीछे चलने में उसने पा पा को पै पै पा करके बोलने की कोशिश करी। तो दूसरा जो कौशल उस बालक में विकसित हुआ वो है वाचन कौशल। वाचन कौशल जब उसको आ जाता है तो तीसरा जो हमारा कौशल आता है वो पठन कौशल। अधिकांश जो भाषाविद है या शिक्षाविद है या हिंदी को जानने वाले जो महारथी हैं, उनका पठन कौशल और लेखन कौशल में एक द्वंद्व होता है। हो सकता है आपके मन में भी इस तरह का एक प्रश्न उत्पन्न हो कि पठन पहले आएगा या लेखन पहले आएगा। मैं आपको बता दूं कि जब लिपि का उद्गम नहीं हुआ था, जब लिपि प्रचलन में नहीं आई थी, उस समय सबसे पहले हमारे यहाँ आकृतियों से, चिन्हों के द्वारा हमने किसी चीज़ को जानने की कोशिश करी और उन चिन्हों को पढ़ा। पढ़ने का मतलब है कि उनका अर्थ ग्रहण किया, अर्थ ग्रहण के बाद में हमने उस चीज़ को लिखना शुरू किया। आज भी हम जब प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं तो हम देखते हैं, सबसे पहले बालक को हमने कै 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 हमने पढ़ना सिखाया और कै में हमने कहा कैसे कबूतर, यानी वो कबूतर की आकृति दिखाने के बाद में हमने उसको पहले आकृति को देखना, उसे समझना और फिर उस आकृति को कह, अगर बालक को कबूतर दिखाया तो बालक बोलेगा कबूतर, और उस कबूतर को उसने पढ़ा तब उसको कह लिखना आया। तो उसके बाद में आपका पठन कौशल आता है और पठन कौशल के बाद में वो आकृति। मुझे आज भी याद है कि प्राथमिक कक्षाओं में हम पढ़ा करते थे और लिखा करते थे कि एक डंडा ऊपर, फिर नीचे डंडा, फिर गोला और फिर नीचे टोटी करके कह। तो पहले हमारा पठन आएगा और उसके बाद में लेखन आएगा। वाचन कौशल का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से आपसी बोलचाल की भाषा और मौखिक भाषा को वाचन की संज्ञा दी जाती है। जब हम कुछ बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो उसे हमें वाचन कौशल कहा जाता है। शिशु माता पिता और अन्य लोगों से बोलकर सीखना आता है और साहित्य में मौखिक जो अभिव्यक्ति है उसको वाचन का नाम दिया गया है। यानी आप अपने मुख से जो भी बोलते हैं, जो भी कहते हैं, वो हमारा वाचन कहलाता है। वाचन की परिभाषा, प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक बेकन ने कहा है
कि संभाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति ही तत्पर बुद्धि वाला हो सकता है। संभाषण की कला, संभाषण का मतलब हुआ कि आपसी बातचीत, आपसी बातचीत यानी एक दूसरे से बातचीत करना, बोलना, वाचन करना, इसमें यदि कोई निपुण है, इसमें यदि कोई तत्पर है तो वो बुद्धि वाला बन सकता है, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ सकती है। उसके बाद में अनेक जो हमारे भारतीय दार्शनिक भाषाविद हैं उन्होंने कहा है कि श्रवण और वाचन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है और दोनों एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि बालक या विद्यार्थी या व्यक्ति जब सुनेगा तो सुनने के बाद में वो बोलेगा, रिएक्ट करेगा, वो प्रतिक्रिया करेगा। तो यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है और वो क्रिया की प्रतिक्रिया जो होती है उससे हम एक ही सिक्के के दो पहलू कहते हैं और वो एक दूसरे के पूरक है। वाचन कौशल की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हम वाचन कौशल को पढ़ें और क्यों हम वाचन कौशल को पढ़ाएं, इसकी आवश्यकता क्या है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि विचारों के आदान प्रदान के लिए, जब दो व्यक्ति के विचार होते हैं, व्यक्तियों के, क्योंकि जो हमारी भाषा है वो अभिव्यक्ति का साधन है, तो विचार विनिमय का साधन है, तो विचारों के आदान प्रदान के लिए वाचन की आवश्यकता पड़ती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या एक समूह दूसरे समूह या एक व्यक्ति दूसरे समूह या समूह द्वारा एक व्यक्ति को क्या विचार या भाव दिए जा रहे हैं, इसके आदान प्रदान के लिए वाचन कौशल जरूरी है। निरक्षर लोग, जिन लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता, जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, उन लोगों के लिए वाचन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष वार्ता के लिए, आपस में आमने सामने बातचीत करने के लिए, वार्ता के लिए, विचार विमर्श के लिए उनको वाचन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो लिखना पढ़ना नहीं जानते तो उनके लिए पठन संभव नहीं है। ये नहीं है कि उनको कुछ लिख के दे दिया आपने, कोई लिखित उनको संदेश दे दिया या आपने कोई उनको लेख दे दिया, आपने उनको लिख करके पत्र दे दिया, उससे उनका काम नहीं चलता, क्योंकि वो निरक्षर है, उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, इसलिए वाचन कौशल उनके लिए अति आवश्यक है। सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए, जब समूह में कोई बात की जाती है या समूह को हमें एड्रेस करना होता है तो वाचन की आवश्यकता है। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी पाठ्य सामग्री को जब शिक्षक समूह में पूरी कक्षा में जब पढ़ाता है, बताता है, या किसी तरह के संदेश है या किसी तरह के विचार विमर्श है, आप लोग दूरदर्शन पे प्रतिदिन विभिन्न जो चैनल है उनके ऊपर आप पूरे देश प्रदेश के विदेश के समाचार सुनते हैं, वो सामूहिक अभिव्यक्ति है और वो वाचन इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण देश और विदेश और राज्य को वो अभिव्यक्ति दे रहा है, वो अपनी बात पहुँचा रहा है, समाचार दे रहा है, कह रहा है। सरल, स्पष्ट और सहज बात के लिए वाचन की आवश्यकता सरल, स्पष्ट और सहज बात के लिए भी है, क्योंकि संदेश और लिखित सामग्री में आवश्यक नहीं है कि जो पढ़ने वाला है, जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो अपनी बात को उतनी सरलता और सहजता से कहा जाए, क्योंकि लिखित साहित्य या लिखित सामग्री होती है वहाँ निश्चित रूप से हम चाहें या नहीं चाहें वहाँ थोड़ी सी औपचारिकता समाहित हो ही जाती है, इसलिए सरल, स्पष्ट और सहज बात के लिए वाचन की आवश्यकता पड़ती है। आपसी संपर्क के लिए, आपसी संपर्क यदि हमें करना है तो उसके लिए हमें वाचन में दक्षता प्राप्त करनी ही होगी, वाचन कौशल की हमें आवश्यकता होगी, उसके बिना आपसी संपर्क जो है वो अनौपचारिक हो जाएगा, औपचारिक नहीं होगा, और औपचारिक आपसी संपर्क के लिए वाचन कौशल आवश्यक है। वाचन अभिव्यक्ति का महत्व क्या है, क्या महत्व है अभिव्यक्ति का, कि वाचन की अभिव्यक्ति क्यों की जाए, क्योंकि अगर हम अभिव्यक्ति नहीं करेंगे तो वो पठन हो जाएगा, क्योंकि पठन में हमारा मौन भी होता है और हमारा सस्वर भी होता है। वाचन की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण क्यों है, उसका दैनिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में क्या महत्व है, ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक अभिव्यक्ति के द्वारा संबंधों में घनिष्ठता आती है। जब दो व्यक्ति आपस में प्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्ति करते हैं, वाचन करते हैं, बोलते हैं, मौखिक रूप से अपनी बात कहते हैं, तो वहाँ संबंधों में घनिष्ठता आ जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लिखित सामग्री है उसमें भाषा और शब्द कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि सामने जो पढ़ने वाला पाठक है उसका बौद्धिक स्तर या बुद्धि लब्धि इतनी नहीं हो कि उस शब्द के अर्थ को वो सहज भाव से अर्थ ग्रहण कर सके, और ऐसे में संबंधों में अनौपचारिकता आ जाती है, घनिष्ठता नहीं आती, तो प्रत्येक अभिव्यक्ति के द्वारा संबंधों में
घनिष्ठता आती है। मौखिक अभिव्यक्ति में अधिक सजीवता से भावों का प्रदर्शन किया जा सकता है। मैं अपनी बात आपको कह रही हूँ, आपके पास में पाठ्य सामग्री भी है, आपके पास में पुस्तकें भी हैं, आपके पास में और भी लिखित सामग्री है। उस लिखित सामग्री को जितनी सहजता से आप ग्रहण करना चाहते हैं उतनी सहजता और सजीवता के साथ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर केवल आप उसे पढ़ रहे हैं। लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति में व्यक्ति की भाषा, उसके भाव के साथ साथ उसके आंगिक अभिव्यक्ति भी शामिल है, और आंगिक अभिव्यक्ति और उसके प्रदर्शन से निश्चित रूप से हमारा जो प्रदर्शन है वो अधिक सजीव हो जाता है। अभिव्यक्ति में लेखन की अपेक्षा वाचन अधिक उपयोगी होता है। जब हम किसी चीज़ की अभिव्यक्ति करते हैं तो लेखन की अपेक्षा वाचन अभी अधिक उपयोगी होता है। एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी महात्मा, कोई भी लेखक, कोई भी शिक्षाविद, कोई भी दार्शनिक या कोई भी राजनेता या कोई भी धार्मिक गुरु जब अपनी बात को, अपने विचारों को, अपने भावों को प्रदर्शित करता है, तो वहाँ पे यदि उसकी वाचन, उसकी मौखिक अभिव्यक्ति होती है तो उस समय हम अधिक वो हमारे लिए उपयोगी होती है। क्योंकि आवश्यक नहीं कि व्यक्ति साहित्य को और लिखित सामग्री को पढ़े ही, निश्चित रूप से पढ़े, क्योंकि पढ़ने के लिए पठन में एक अनिवार्यता ये हो जाती है कि व्यक्ति को स्थिर रह करके पढ़ना पड़ता है। लेकिन वाचन में हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम घूमते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, कार्य करते हुए, सफ़र करते हुए, यातायात के दौरान, कहीं भी खड़े बैठे उठे, कहीं भी किसी से कभी भी अभिव्यक्ति के द्वारा हम वो वाचन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से लिखित सामग्री से ज़्यादा वाचन अधिक उपयोगी होता है। ये हमारे वाचन अभिव्यक्ति के महत्व है। वाचन शिक्षण के उद्देश्य, वाचन शिक्षण क्यों करवाया जाए, उसके उद्देश्य क्या है? मैंने अभी आपसे चर्चा में कहा कि किसी भी कार्य के पीछे उद्देश्य निर्धारित होते हैं, तो ऐसे ही वाचन शिक्षण के उद्देश्य क्या होंगे? वाचन शिक्षण जो है उसमें मानक भाषा के द्वारा सहज भाव से अपनी बात कह सकेंगे। भाषा जो होती है उसमें मानक भाषा होती है, बोलचाल की भाषा होती है और साहित्यिक भाषा होती है। तो वाचन शिक्षण में मानक भाषा, मानक का मतलब है जिसे मान्यता मिली हुई है, इस भाषा के द्वारा सहजता के साथ में कोई भी व्यक्ति अपनी बात को कह पाएगा। तो यहाँ पे मानक भाषा की सहजता के लिए वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। स्वाभाविक एवं प्रभावयुक्त वाणी में वार्ता और भाषण करने की क्षमता अर्जित कर सकेंगे। जब हम वाचन शिक्षण करवाएंगे तो उसमें एक तो स्वाभाविकता होगी, यानी हम स्वाभाविक रूप से बोलेंगे, वहाँ कोई बनावटी चीज़, क्योंकि जो भी बनावटी और अनौपचारिक चीज़ें होती हैं वो अधिक समय तक नहीं चल पाती हैं, तो वहाँ एक तो स्वाभाविकता होगी। स्वाभाविकता के द्वारा प्रभावयुक्त वाणी होगी। प्रभावयुक्त और प्रभावयुक्त, प्रभाव का मतलब कि आप जो बोल रहे हैं, आप जो वाचन कर रहे हैं उससे आपका श्रोता प्रभावित हो रहा है। प्रवाह यानी आप निरंतरता के साथ उसमें अपनी वाणी में, अपनी भाषा में, अपनी बोली में वार्ता बातचीत कर रहे हैं, और इससे भाषण करने की क्षमता अर्जित हो सकेगी। इसके बाद वाचन शिक्षण का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है कि जैसे हमारा जो व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जो एक हमारी प्रतिबद्धता है, एक हमारा विचार विनिमय है, एक हमारा शिष्टाचार, जिसे मैं कहूँ तो अधिक उपयुक्त होगा, हमारा जो शिष्टाचार की जो हमारी पद्धतियाँ हैं उनके लिए वाचन शिक्षण बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जैसे स्वागत, हमें किसी का स्वागत करना है। स्वागत में यदि हमने आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा, स्वागत है, हम बहुत आनंदित हैं, हम अभिभूत अपने आप को महसूस कर रहे हैं, हमने जब वाचन किया तो हमने 3-4-5 वाक्य एक साथ बोल दिए और श्रोता को या जिसका हम स्वागत कर रहे हैं उसको अभिभूत कर दिया, उसको आनंदित कर दिया। यही चीज़ यदि हम लिखित में लिखते तो सबसे अधिक से अधिक हम लिख देते स्वागत है, अभिनंदन है, इतना ही हम लिख पाते। दूसरा परिचय, जब हम किसी का परिचय दिवाते करते हैं तो लिखित में आपने सीधा सा एक पढ़ लिया कि मेरा नाम नमन है,
मान लीजिए आपने पढ़ लिया, मेरा नाम कल्पना है, आपने ये पढ़ लिया, लेकिन जब हम किसी का परिचय करवाते हैं या अपना परिचय देते हैं तो हम बहुत ही, कि जैसे मैंने अभी आप लोगों से चर्चा में कहा कि मैं प्रोफेसर सरोज व्यास प्राचार्य फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मेरा ये निवास स्थान है, मैं यहाँ से आती हूँ, एंड सारा परिचय, वो विस्तार से आप परिचय वहाँ पर दे पाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद में आपने लिखित रूप से एक 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 वाक्य, एक शब्द लिख दिया है, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ, या एक शब्द लिख दिया, धन्यवाद। लेकिन यदि आप प्रत्यक्ष रूप से वाचन के द्वारा धन्यवाद दे रहे हैं तो आप धन्यवाद, आप हमारे यहाँ आए, आपने हमें कृतज्ञता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं अभिभूत हूँ, मैं आपके प्रति नतमस्तक हूँ, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं अभिवादन के लिए, धन्यवाद के लिए, जिनको हम बोल करके और उस उद्देश्य के लिए हम वाचन का प्रयोग करते हैं। कृतज्ञता, आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी के प्रति कृतज्ञ हूँ, आपका कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। संवेदना, किसी की खुशी में, किसी के दुख में, किसी को हम जब संवेदना देते हैं, किसी को आश्वासन देते हैं, तो उस समय हमारा वाचन बहुत उपयोगी होता है बधाई देने के लिए। जब हम किसी की उपलब्धि पर, जब हम किसी के मंगल कार्यों में, जब किसी के सफलता के ऊपर हम जब उन्हें बधाई देते हैं तो वाचन का बहुत ही महत्व होता है, और इसके लिए वाचन शिक्षण का ये उद्देश्य है कि बधाई के लिए भी, और इन सब जो ये हमारे विभिन्न विभिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न विभिन्न हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जो हमारी औपचारिकताएं हैं, जो हमारे कार्य हैं, जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं हैं, इनके लिए वाचन का विशेष प्रयोग। विद्यार्थियों में तार्किक शक्ति बढ़ा पाएगा। वाचन जो है वो निश्चित रूप से वाचन करने वाले में और विद्यार्थी में तार्किक शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि जब हम वाचन करते हैं तो हम जब कुछ कहते हैं तो उसके प्रति उत्तर में हमें जो तर्क मिलते हैं, और वो तर्क यदि सही हैं तो क्यों हैं, और यदि आप उससे असहमत हैं तो क्यों हैं, और सहमत हैं तो क्यों हैं, ये सब विचार विमर्श करने और चिंतन मनन करने का अवसर प्राप्त होता है, और इससे विद्यार्थियों में वाचन क्षमता बढ़ती है। वाचन कौशल की विशेषताएं, जब हमने उद्देश्यों की बात कर ली तो अब हम वाचन कौशल की विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। वाचन कौशल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जिनको हम क्रम से एक एक करके हम उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है शुद्धता, वाचन कौशल में शुद्धता रहती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वाचन जब है तो उसमें शुद्धता कैसे आ गई। शुद्धता से मेरा यहाँ अभिप्राय है कि मान लीजिए कि मुझे लिखना पड़ रहा है यद्यपि, कदापि, किंग कर्तव्य विमूड, अनादिकाल से, अनौपचारिक, भौतिक, अभिव्यक्ति, अधिगम, इस तरह के मुझे शब्द बोलने पड़ रहे हैं। हो सकता है लेखन में मैं मात्राओं की गलती कर जाऊं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो अपनी बात को प्रभावशाली रखने के लिए हम शुद्धता का ध्यान रखते हैं। दूसरी नंबर पर आता है स्वाभाविकता, वाचन जो है वो मौखिक अभिव्यक्ति है, और मौखिक जो अभिव्यक्ति है वो स्वाभाविक है। आपने देखा होगा कि जब हम कोई लेख पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो वहाँ भाषा जो होती है या वाचन जो होता है या मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो बहुत ही संयमित और सीमित होती है, और अनौपचारिक होती है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति को अपनी बात प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, वाचन करते हैं, तो उसमें स्वाभाविकता आती है। और तुम कैसे हो गया, स्वाभाविक रूप से हमने किसी से पूछ लिया कि और तुम कैसे हो। यही यदि लिखित रूप में होता तो हम लिखते आप कैसे हैं, कृपया बताने का कष्ट करें, तो वहां थोड़ी स्वाभाविकता की जगह औपचारिकता आती है। उसके बाद में है हमारा स्पष्टता, वाचन में भाव एवं विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त किए जाते हैं, स्पष्टता होती है। जो बात हम लिखित रूप में नहीं दे सकते हैं वो हम कहने में कह देते हैं, क्योंकि लिखित रूप में कहीं ना कहीं ये होता है कि वो हमने प्रमाणित कर दिया कि वो बात हमारी है, और वहाँ पे हम थोड़ा गोलमोल हो जाते हैं, थोड़े संकुचित हो जाते हैं, थोड़े संयमित हो जाते हैं। लेकिन जब हम वाचन करते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, किसी के सामने अपने विचार और भाव व्यक्त करते हैं, तो स्पष्ट रूप से हम कह देते हैं। तो वाचन कौशल की एक विशेषता स्पष्टता भी है। उसके बाद में आती है सशक्तता, मान लीजिए कि मुझे आपको निर्देशित करना है,
कि आपको भाषा के कौशल का अध्ययन एक सप्ताह में अपना पूर्ण करना है। ये बात यदि मैंने आपको लिखित में दे दी तो हो सकता है इतनी प्रभावशाली नहीं होगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से यदि मार्गदर्शक के रूप में, एक आपके परामर्शदाता के रूप में, आपके शिक्षक के रूप में, आपके अभिभावक के रूप में यदि मैंने आपको ये कह दिया कि इस समय सीमा में आपको ये कार्य करना है, तो वहाँ सशक्तता आ जाती है। प्रवाह, वाचन आमने सामने होने के कारण प्रभाव में होता है, प्रवाह होता है उसमें, उसमें विराम आने के कम संभावना होती है। ऐसा नहीं होता हम पढ़ रहे हैं और मान लीजिए कि हमने कविता पढ़ी, उसकी दो पंक्तियां पढ़ी, अचानक कोई अनिवार्य कार्य आ गया और उसका प्रवाह हमारा छूट गया। हम कोई निबंध पढ़ रहे हैं, हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, कोई हम उपन्यास पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ते समय उसमें प्रवाह नहीं रहता है। लेकिन जब हम वाचन कौशल करते हैं, आमने सामने बात करते हैं, तो ऐसे नहीं होता कि हमारा प्रवाह नहीं टूटता। ऐसे नहीं होता कि मैंने कहा मैं रुकना मैं और मैं चली गई और थोड़ी देर बाद में आने के बाद में कहा मैं आ रही हूं, ऐसा नहीं होता, उसमें एक प्रवाह बना रहता है। उसके बाद में है अवसर अनुकूलता। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण और आवश्यक बिंदु और विशेषता है वाचन कौशल की, अवसर अनुकूलता। एक कहावत है कि कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता। ऐसे ही जब हम लेखन में पठन करते हैं, लिखी हुई चीज़ को जब हम पढ़ते हैं या हमने कोई बात लिख दी, तो उसमें अवसर के अनुकूल उस चीज़ को बदला नहीं जा सकता, परिवर्तन नहीं ला सकते, भावों और विचारों में परिवर्तन नहीं आ सकते। लेकिन जब हम वाचन करते हैं तो वाचनकर्ता, बोलने वाला, मौखिक अभिव्यक्ति देने वाला, अवसर और संभावनाएँ यानी अवसर और समय दोनों देख करके आवश्यक और अपेक्षित जो अभिव्यक्ति होती है वो देख करके अपने विचार और भावों में बदलाव ला सकता है और वो अनुभव से उस चीज़ को बदल सकता है। इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि वाचन में अवसर की अनुकूलता हमें प्राप्त हो जाती है। प्रभाव उत्पादकता, प्रभाव का बना रहना, यानी वाचन जो होती है उसमें प्रभाव की उत्पादकता होती है, क्योंकि वो जो वाचन करता है उस वाचनकर्ता का के केवल शब्द और भाव और विचार नहीं होते हैं, उसकी अपनी अभिव्यक्ति होती है, आंगिक अभिव्यक्ति होती है, शारीरिक और बहुत सारी चीज़ें होती है जो उसमें समाहित होती है और इससे प्रभाव उत्पत्ता आती है। वाचन अभिव्यक्ति के विकास की क्रियाएं, अब हम बात करेंगे वाचन अभिव्यक्ति का विकास जो है वो किस प्रकार से किया जा सकता है और कौन कौन से क्रियाएं हो सकती है। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी क्रियाओं में अनौपचारिक बात के लिए। अनौपचारिक बात, वाचन के विकास के लिए हम किसी से भी अनौपचारिक बात को मैं इस तरह से समझाना चाहूँगी, जब हम यात्रा करते हैं, जब हम कुछ सामान खरीदने बाजार में जाते हैं, जब हम किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, जब हम कहीं संवेदना प्रकट करने जाते हैं या कहीं भी हम मिलते हैं, तो हम लोगों के साथ में अनौपचारिक बात करके अपनी वाचन क्रिया को विकसित कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग हैं जो अनजान लोगों से भी बात करने लगते हैं और वो वाक्पटु हो जाते हैं, तो अनौपचारिक बात के द्वारा, कहानी कथन के द्वारा, कहानी कह करके, कोई कथन कह करके, हमारी जो दादी नानी हुआ करती थी वो कहानी कथन से अपनी वाचन क्रिया का विकास करती थी। उसके बाद में आता है घटना, जीवन में, स्वयं के जीवन में या किसी अन्य के जीवन में घटना जो घटती है उससे वाचन क्रिया का को विकसित किया जा सकता है। हम जब दैनिक जीवन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो रास्ते में और मार्ग में जाते आते हुए अनेक प्रकार की घटनाओं का हमारे मानस पटल पर आती हैं, हम उन्हें देखते हैं, हम उन्हें समझते हैं, उन पर चिंतन करते हैं और उन घटनाओं को समूह में या किसी व्यक्तिगत रूप से किसी दूसरे को सुना करके वाचन क्रिया का विकास किया जा सकता है। चित्र वर्णन के द्वारा, चित्र बना करके, चित्र जो है वो अपने आप में एक कहानी होती है। कोई भी जो चित्र होता है वो उसके वर्णन के द्वारा हम उसको कर सकते हैं। भाषण और आंसू संभाषण के द्वारा,
उसके द्वारा भी हम क्रियाएं जो है हमारी वाचन की उनको आगे बढ़ा सकते हैं। वाद विवाद एवं परिसंवाद तथा विचार विमर्श से, जब हम वाद विवाद करते हैं किसी के साथ, परिसंवाद करते हैं और विचार विमर्श करते हैं, तो वो एक ऐसा ऐसी क्रिया है जिससे वाचन की क्रियाएं बढ़ती है। प्राथमिक कक्षाओं में बाल सभा एवं छात्र संसद अभिनय के द्वारा बाल सभाएँ करवा करके, छात्र संसद का अभिनय करवा करके, इन सब के साथ साथ वर्तमान समय की यदि मैं बात करूं तो काव्य पाठ और इलेक्ट्रॉनिक साधन। अभी आप सब देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक साधनों पर अभ्यास कर कर आप वाचन सुन रहे हैं और उसके माध्यम से आप अपनी वाचन क्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। वाचन की शिक्षण विधियां, चित्रों के प्रयोग से। वाचन की शिक्षा विधियों में सबसे पहले आता है कि चित्रों के प्रयोग से विषय वस्तु का वर्णन करके और आप उनको शिक्षण करवा सकते हैं विद्यार्थियों को। कहानी सुना करके, कहानी कह करके आप वाचन शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। सुगम संगीत के द्वारा, आपने देखा है कि कभी कभी शिक्षण जो होता है वो संगीत के माध्यम से आप वो उसको करवा रहे हैं। सहस्वर वाचन से, किसी भी कविता का, किसी भी गद्य का, किसी भी पद्य का सहस्वर वाचन से आप वाचन करवा रहे हैं। भाषण विधि के माध्यम से, भाषण से भी आपका वाचन शिक्षण संभव है। वाद प्रतियोगिता के द्वारा, अभिनय करके, कुछ कुछ ऐसे ऐसे आपकी लेखन सामग्री होती है, कुछ नाटक होते हैं, उनको आप अभिनय के माध्यम से उनमें वाचन में दक्षता लाते हैं। वाचन कौशल की त्रुटियां, हमने हर प्रकार की बात करी, हमने हमने जानने की कोशिश करी कि वाचन का अर्थ क्या है, वाचन की परिभाषा क्या है, वाचन का की आवश्यकता क्यों है, वाचन का महत्व क्या है, वाचन क्यों किया जाना चाहिए, उसके प्रकार क्या है, उसका शिक्षण कैसे होता है। तो अंत में हमें ये जान लेना भी आवश्यक है कि वाचन कौशल में त्रुटियाँ क्या हो सकती है। वाचन में जो सबसे बड़ी त्रुटि है वो है उच्चारण दोष। उच्चारण दोष से मेरा अभिप्राय है हकलाहट। यदि समझिए कि यदि वाचनकर्ता हकलाट हकलाता है, उसमें शारीरिक कुछ दोष है, तो वो वाचन अशुद्ध प्रभावशाली नहीं होगा। उद्गम स्थानों की अज्ञानता, और यदि वाचनकर्ता को शब्दों के, वर्णों के, स्वरों के उद्गम स्थान जो हमारे होते हैं अगर उनका ज्ञान नहीं है तो वो वाचन प्रभावी नहीं रहेगा। प्रवाह एवं ओजस्विता की कमी, कई बार क्या होता है कि वाचनकर्ता प्रवाह में और ओजस्विता के साथ यदि नहीं बोलता है, उसकी वाणी ओजस्वी नहीं है और वो प्रभाव में प्रवाह में बोलने की क्षमता नहीं रखता है, तो वो वाचन की त्रुटि कहलाता है। आरोह अवरोह की अनिश्चितता, अधिकांशतः क्या होता है कि वाचनकर्ता जब ये भूल जाता है कि आरोह अवरोह कब लेना है, यानी कब आपको अपने शब्दों को, अपने भावों को, कब आपको उतार करना है, कब उनमें चढ़ाव करना है, यानी अपना आपका स्वर कब ऊपर होगा, कब नीचे आएगा, ये यदि अनिश्चितता है, इसकी जानकारी आपको नहीं है, तो वो वाचन का दोष कहलाएगा। शारीरिक दोष, जैसे बधिर होना, यदि किसी कोई सुन नहीं पाता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए वाचन कौशल संभव नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण में मैं एक मुख्य कारण जो है वो आपके साथ बांटना चाहूँगी, और वो है अल्पभाषी होना। कुछ लोग होते हैं जो अल्पभाषी होते हैं और उन वो वाचन नहीं कर पाते हैं अच्छे से। वाचन की त्रुटियों का निवारण, अब इनका निवारण कैसे किया जाए, हमने दोषों की तो चर्चा कर ली, लेकिन आवश्यक है कि हम ये भी जान लें कि इनका निवारण कैसे होगा। उच्चारण दोष की जांच करवा करके, अभ्यास द्वारा, यानी उच्चारण में यदि दोष है तो उसकी पहले जांच करवा ली जाए, यदि यदि वैज्ञानिक तरीके से या मनोवैज्ञानिक तरीके से, जैसे भी संभव हो, उच्चारण दोष की जांच करवाएं और अभ्यास के द्वारा इसको ठीक करा जा सकता है। शैक्षिक निर्देशन और सहायक कार्यक्रमों के द्वारा भी इसको ठीक किया जा सकता है। अनेक कार्यक्रमों, क्रियाकलापों का आयोजन करवा के किया जा सकता है। नवीन प्रयोगों से युक्त, नई नई आजकल प्रौद्योगिकी का इतना विकास हो रहा है, इनके द्वारा हम अपने वाचन के लिए शिक्षण कार्यक्रम आयोजित करा सकते हैं, और शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं उपचारात्मक शिक्षण से भी वाचन के दोषों का निवारण किया जा सकता है। आज की इस चर्चा में हमने भाषा शिक्षण के जो चार आधारभूत स्तंभ है उसमें वाचन शिक्षण पे चर्चा करी। वाचन का अर्थ, वाचन की परिभाषा, वाचन की आवश्यकता, वाचन के उद्देश्य, वाचन का महत्व, वाचन की प्रक्रिया, वाचन शिक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, वाचन शिक्षण जो है उसके दोष क्या क्या हो सकते हैं और उनका निवारण क्या हो सकता है, इन सब विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर हमने चर्चा करी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ ऐसी,
कि डीएलएड के इस कार्यक्रम में आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, इससे लाभान्वित हो रहे हैं और निश्चित रूप से आपको इससे कुछ ना कुछ प्राप्ति हुई है। भविष्य में आप और हम इसी तरह से जुड़े होंगे। अंत में मैं आप सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।